हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी अगले वीडियो अपना कलोन जी के ऊपर बनाने वाला हूँ, 40 वीडियो। मगर आज द लेजेंडरी श्रीदेवी जी का आज अंतिम संस्कार था, जिनका मृत्यु सैटरडे को कुछ लेट नाइट हो गया था। तो आज उनका अंतिम संस्कार था और सभी फैन, कई स्टेटों से सभी फैन बहुत लोग आए थे, जो अपना लास्ट ट्रिब्यूट देने उनको आए थे, अपना कंडोलेंस देने आए थे, अपना प्रे करने आए थे लास्ट बार उनके लिए। उसी में से मैं भी जुड़ गया था उधर उनको आखिरी बार उनको देखने के लिए उनके अंतिम संस्कार में। उधर दोस्तों बहुत लोग आए थे, जैसे कि पवन हंस में हुआ था विले पाले के, उधर बहुत लोग आए थे। आप सोच भी नहीं सकते कितने लोग आए थे उधर, बहुत लोग आए थे क्योंकि वो इतनी बड़ी लेजेंड थे, इतनी बड़ी आइकॉनिक थे। उनका 54 ईयर के उनका एज 54 था, उसमें उन्होंने 50 ईयर बॉलीवुड में काम किया, मतलब 50 ईयर अपना काम किया। ऐसे 4 ईयर से मॉडलिंग चालू किया था, उसके बाद वो अपने मतलब पर्दे में उन्होंने काम किया, इतने बड़े लेजेंड रह चुके हैं। दोस्तों मैं क्या बोलूँ आप लोग को, दोस्तों आज मैं भी गया था, आपको वीडियो में दिखा होगा जैसे मैं गया था उनके अंतिम संस्कार के उधर। और उनको पसंद, उन्होंने किसी न्यूज़ में किसी तो उन्होंने कहा था कि उनको वाइट कलर पसंद है। जब तो उनका जब अंतिम समय आएगा, जब उनका मीन्स जब जो लास्ट का टाइम आया, तो चाहती थी कि उन्हें सब चीज़ उनको वाइट चाहिए, मतलब सब जगह वाइट होना चाहिए। कलर उनको वाइट बहुत पसंद था, तो मैं भी उनके लिए वाइट टी शर्ट पहन के चला गया था। सब बहुत लोग आए थे जो वाइट कलर के कपड़े पहना था, क्योंकि वो चाहते थे कि अपने लेजेंडरी जो स्टार थे, जो लेडी सुपरस्टार के नाम से भी कहा जाता है उन्हें, तो उनको आखिरी बार देखने के लिए उनका मनपसंद कलर पहन के जाए। दोस्तों भी मैं आपको क्या बोलूँ, इतना रश था उधर, बहुत मुश्किल से वीडियो निकाला। आपको ये वीडियो के बाद मैं एडिट करके दिखाऊंगा, वो वीडियो बहुत रश था वो वीडियो में। और अभी श्रीदेवी जी द लेजेंड, उनको भारत के तिरंगे से राष्ट्रीय सम्मान करके उनको विदा किया गया है। और इतना रश था, और वो हमेशा वो भी तो गई नहीं, वो हमेशा हमारे दिल में रहेगा, हमारे दोस्तों के दिल में रहेगा, हमारे फैंस के दिल में रहेंगे, हमेशा रहेगा उनके मूवी से। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलने के लिए कुछ शब्द आ नहीं रहे। वीडियो देख के बाय बाय, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। रोड का रास्ता चेंज हो चुका है दोस्तों, अभी हम क्या बोलूँ, मिट्टी बाइक ये रोड से आने वाला था, अभी ये रोड से आने वाला है। अभी तक दोस्तों आई नहीं है श्रीदेवी मैम, हम इंतज़ार करेंगे उनका। और फाइनली एक झलक श्रीदेवी मैम का रथ का हमें दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे इतना भीड़ है, पूरा रास्ता भर चुका है, क्या बोलूँ मैं आपको। मैं भी जा रहा हूँ उनके रथ के पास, अभी बहुत दूर है रथ, मैं आंखों से देख पा रहा हूँ, एक्चुअली कैमरे से दिखेगा नहीं, क्वालिटी तो कुछ खास नहीं है। दोस्तों याद तो पूरे सैलाब उबड़ा हुआ है इंसानों का। भाग रही है दोस्तों, मैं भाग नहीं सकूंगा उनके साथ मोबाइल लेके, आप देख सकते हो। दोस्तों मैं रास्ता चेंज करके भागने वाला हूँ, क्योंकि वो रास्ते से मैं भाग नहीं पाऊंगा, बिल्कुल नहीं भाग पाऊंगा। अभी मैं भाग रहा हूँ, मैम का गाड़ी पीछे से आगे से भाग रही है।
दोस्तों वीडियो निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, इंसानों का भारी सैलाब जैसा कि पूरा भार आ चुके हैं, सब रोड दिखाई नहीं दे रहा है, सब इंसान ही इंसान दिखाई दे रहे हैं। मैम क्या आगा, मैम को जिसमें रखा हुआ है और रथ तो बहुत आगे निकल चुका हूँ, मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ। देखता हूँ मैं पकड़ पाऊँगा कि नहीं, मैम का दर्शन ले पाऊँगा कि नहीं लास्ट टाइम। दोस्तों फाइनली ट्रैफिक में मैम की गाड़ी रुक चुकी है और मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों गाड़ी रुक चुकी है ट्रैफिक में, मैं गाड़ी के पास जा रहा हूँ पर लगता नहीं मैं नज़दीक जा पाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि इतना भीड़ है कि क्या बोलूँ आप लोग को, आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों गाड़ी निकल चुकी है आगे, लगता मुझे भागना पड़ेगा। दोस्तों गाड़ी यू टर्न मार रही है, अब बहुत जल्द शमशान घाट आने वाला है, बहुत जल्द। देखो आप दिख, दोस्तों बहुत भीड़ है, बहुत बोले तो बहुत हद से ज़्यादा गाड़ी शाम। हम लोग अपोजिट रोड से आ रहे हैं एक्चुअली दोस्तों, यहाँ से गाड़ी आ रही है, गाड़ी को सब रोक के सब पब्लिक भाग रही है अपोजिट रोड पे। दोस्तों गाड़ी निकल चुकी है, हम मुझे दिख नहीं रही है गाड़ी फिलहाल। सर दोस्तों मुझे अभी भागना पड़ेगा लगता है, गाड़ी ऑलमोस्ट शमशान घाट पहुँच चुकी है। तो ओके बाय बाय दोस्तों, मैं आपका वीडियो बाद में बनाता हूँ थोड़ा देर बाद। दोस्तों यहाँ पे बहुत भीड़ है आप जैसे कि देख सकते हो, जगह जगह बैनर लगाए गए हैं मिस पद्माश्री श्रीदेवी जी को आखिरी बार श्रद्धांजलि देने के लिए। दोस्तों मुझे कुछ दिख नहीं रहा इधर, क्योंकि इधर बहुत ऑलमोस्ट ब्लॉक हो गया इधर रास्ता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नज़दीक जा पाऊँ, कितना होता है उतना आप ये देख ही सकते हो कि इधर रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है और मुझे मैम का रथ भी नहीं दिख रहा है, लगता है बहुत आगे चला चुका है यार। तो आई डोंट नो, तो देखने दीजिए। दोस्तों अभी तो मेरा मोबाइल खतरे में है, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मोबाइल गिर सकता है। आप देख ही सकते हो कि जगह जगह बैनर लगा हुआ है मैम का। दोस्तों अभी तो फाइनली मैं शमशान के बहुत पास हूँ, यहाँ पे इतना भीड़ है कि ट्रस्ट में मैं वीडियो नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद को इधर संभाल नहीं पा रहा हूँ इतने भीड़ में। दोस्तों मुझे लगता है कि मुझे इधर ही रुक जाना चाहिए फिलहाल, क्योंकि इधर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है आगे जाके, इधर कुछ जगह ही नहीं। आप देख सकते स्काई वॉक पर, स्काई वॉक पूरा भरा हुआ है मैम के फैंस से। चलो चलो चलो
आगे बंद है, खबर आई है कि आगे बंद है, आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, आगे बंद है। दोस्तों अभी वीडियो में बंद कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मुझे। लेके जा चुका है शमशान घाट के अंदर और बाहर अभी भी फैन लोग का पूरा रश चालू है। दोस्तों हम शमशान घाट के सामने हैं, ठीक सामने, पर अनफॉर्चुनेटली हम मैम का दर्शन नहीं ले पाए क्योंकि तो इतना भीड़ है कि क्या बोलूँ आपको, जो मुझे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। खड़े देखिए पुलिस वाले लोग भगा रहे हैं भैया, धक्का मुक्की बहुत होने वाला है, इसमें तो पीछे जा रहा हूँ। जो आया आया जिस तरह फैन लोग सब जगह चढ़ चढ़ के देख रहे हैं, देखिए देखिए इसको, तो ये तो बाइक के ऊपर चढ़ गया, स्काई बुक पूरा भरा हुआ है फैन से, जो आप श्रीदेवी जी को आखिरी बार देखने के लिए आए हैं सर। दोस्तों फैन झाड़ भीड़ पर चढ़ गए हैं और फिर भी दर्शन नहीं मिल पा रहा है, लास्ट दर्शन मैम का। दोस्तों अभी तक भीड़ थोड़ा कम होते हुए नज़र आ रहा है, लगता है मैम का अंतिम संस्कार हो चुका है। लेट्स सी, मैं ऊपर जा रहा हूँ स्काई वॉक में, देखते हैं आगे क्या होता है। देखो स्काई वॉक थोड़ा सा खाली हो चुका है। दोस्तों कोई गाड़ी आया, किसी एक्टर का गाड़ी आया, पता नहीं कौन है। हाँ सही बात है भाई, अभी जस्ट तो न्यूज रिपोर्टर जा रहे हैं, अलग बहुत खराब है इधर, फैंस तो पूरे मतलब जमीन नहीं दिख रहा दोस्तों, अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो एक स्क्रीन में आपको दिखा दूँ, तो इधर जमीन तक नहीं दिख रहा, इतना भीड़ है। दोस्तों पूरा रोड जैसा रुकता गया है, आप देख सकते हो। मैं बहुत नजदीक गया था, अनफॉर्चुनेटली कुछ मिला नहीं, मुझे दर्शन नहीं मिला मैम का, पता नहीं अंतिम संस्कार हुआ है कि नहीं हुआ अभी, क्योंकि ऊपर से हुआ भी कुछ दिख नहीं रहा है। लेट्स सी, मैं थोड़ा देर रुकूंगा फिर देखता हूँ क्या करता हूँ। अरे भाई दौड़ा खाली करो मेरा भी, अरे है जाओ ब्रो, खड़ा ना रहो जा, बमानी हरी ज्वेलर्स का लगा हुआ वही के तो बात है। हाँ मोरिया रहल है का जन खेल चला, हाँ हाँ हम आए तब फोन कर भारतीय समिति अपना अच्छा कुमार आया क्या। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं सब लोग भाग रहे हैं, लगता है स्टार्स सब बाहर आ चुके हैं अभी अंतिम संस्कार करके, मैम को आखिरी बार विदा करके उनको। तो दोस्तों मैं भी अभी निकलता हूँ क्योंकि मुझे तो कुछ देखने मिला नहीं, मैम का चीता को आग दिया तो धुआं भी कुछ दिख नहीं रहा इधर से। तो दोस्तों मैं रोड के इक्वेटर के बीच में, आप देख सकते हैं इस साइड पूरा भरा हुआ है, रोड तो बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये साइड भी रोड बंद ही है, देख सकते हैं आप। तो मैं बहुत दूर आके बैठ गया क्योंकि मैं तो थक चुका हूँ भीड़ में खड़े होते रहते। अंधेरी मतलब कितना अपना कांदिवली से आए हो ना, और फिर मतलब आप लाइन में थे क्या खड़े? लाइन में तो कोई नहीं था, लाइन से नॉर्मल लोग का लाइन था ना, वीआईपी लोग का लाइन और नॉर्मल लोग का लाइन नहीं था, जो वीआईपी लोग आते थे ना हाँ वो लोग ही सिर्फ दे रहे थे क्या, वो लोग सीधा मतलब डायरेक्ट मतलब उतर एंट्री। और आम जनता लोग तो नहीं था क्या कुछ, आम जनता जो नॉर्मल लोग थे सब बाहर ही खड़े हो, खाली देख ही रही थी मतलब, कुछ अंदर बिंदर जाने नहीं मिला ना। ओके
अच्छा वो आप बाहर निकाला तो आपको मिला क्या, दर्शन मिला क्या, देखने मिला मैडम को? नहीं नहीं, जैसे अभी इधर गाड़ी लेके आए ना, हाँ गाड़ी में लेके आए, वैसे वैसे ऐसा वो गाड़ी रुकी नहीं थी क्या उधर? रुकी थी तभी मिला होगा ना था देखने के लिए, अभी इधर तो चलती रही होगी ना। हाँ इधर तो मुझे तो मिला ही नहीं, मैं तो इधर अभी अभी आया था, मतलब अब गाड़ी इधर रुका हुआ था, गाड़ी का ट्रक है, ट्रक पे ना पूरा ट्रक में ऊपर पूरा फूल ही फूल सजा हुआ, जो उसको पसंद फूल था वाइट कलर का ना, घर परिवार वाले इसलिए सब वाइट कपड़ा पहन के आए। उतरने का वो भी है क्या? कौन आ रहे उधर से? वाइट जैसा मैडम का वाइट कलर पसंद था मैडम को, इसलिए सब वाइट पहने हुए, मैं भी वाइट पहना हुआ, घर वाइट वाइट था पूरा, सब पूरा घर वाइट वाइट था क्या, कपड़े से ढक दिया था पूरा, ठीक है चलो अभी अभी तो मुझे लगता है वो लोग आ जाएगा थोड़ा देर में बाहर। हाँ क्रियाक्रम तो हो चुका होगा मेरे ख्याल से, सब लोग साथ में आने, अभी ये लोग इधर ही है ना, ये लोग उधर जाएगा, सब लोग अभी देखा मैंने सोनम वाला नहीं, वो नागिन में आता था वो रॉकी रॉकी करके, हाँ वो निकला ना अभी निकला। हाँ मेरे ख्याल से अभी मतलब अभी वो लोग उधर ही रुकने वाले, 7 बजे का टाइम दे रहे, 7 बजे जाना, 7 बजे अभी सब लोग आएंगे ना, आ रहे अभी उनकी कमबैक मूवी थी इंग्लिश इंग्लिश जो मुझे बहुत पसंद आई है, तो जो दोस्तों आप लोग जरूर देखिए, और आपको पता है एक फीमेल होते हुए 15 साल के बाद कमबैक किया है वो भी हिट हुई है, एकदम मेल सुपरस्टार 15 साल के बाद 10 साल के बाद ही कमबैक करते तो वो लोगों का कुछ होता नहीं, और एक फीमेल होने के बावजूद बॉलीवुड में तो मेल का चलता है, फीमेल होने के बावजूद 15 ईयर के बाद कमबैक किया और सफल रहा है, तो तब से मैं भी उनका फ़ैन हुआ, क्योंकि मैं तो पहले से उनका मूवी देखता था, मगर थिएटर में जाके देखना कुछ अलग बात होता है दोस्तों, तो हम लोग को भी चांसेस मिले, जो यूथ है जी उनको भी चांसेस मिले कि वो थिएटर में जाके उनको देख सके इंग्लिश इंग्लिश मॉम्स से, और शायद अभी उनका एक उन्होंने एक छोटा सा रोल किया मेरे ख्याल से शाहरुख खान सर के मूवी में जीरो में, तो शायद उन लाश पर हम जैसे फ़ैन में सब बहुत सारे फ़ैन को उनको लाश पर पर्दे में देखने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेगी, हरे कृष्ण।